चार बार के विधायक है, लेकिन चार बार के विधायक है, नालों का निर्माण जारी है। नाला थोड़ा बनता है फिर रुक जाता है, तो पानी की परेशानी बहुत है। अब इनको याद आ रही है कि क्योंकि चुनाव सिर पर है कि विधायक उनको पाँचवीं बार भी बनना है, तो अब याद आ रही है कि भाई नाला खुदोगा वो खुदोगा, लेकिन फिर काम बनेगा। अगर चुनाव जीत गया हार के फिर काम रुक जाएगा। नाम के विधायक है बस, और कुछ नहीं कराया। अपने सामने लिखते हैं चतुर्थ विधायक और विकास पुरुष, कोई विकास नहीं कराते हैं यहाँ पे। तो आते हैं बस हॉर्न से अलावा कोई सुनाई नहीं आती उनके यहाँ पे, हॉर्न बजता है बस। रोड को जाते हैं क्या, कोई वो काम नहीं यहाँ पे है। यहाँ तो पब्लिक अगर कोई काम लेके जाती है तो कभी कोई किसी का काम नहीं हुआ यहाँ पे। इस बार किसके साथ हो? हम तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस में कोई भी आए, कोई सा नेता भी आए, जिसे भी टिकट मिले हम उसी के साथ है। विधायक जी की तो मैं आपको बैनर दिखा दूंगा, पोस्ट बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेकिन विकास ही नहीं। आप चलो मेरे साथ देंदेड़े में, कहीं भी चलो, बोर्ड लगा हुआ के 48 लाख रुपये का इसका काम हुआ। हम देखोगे तो आप गड़ी में पड़ने बना बार बोर्ड लग रहा है, ऐसा कोई विकास नहीं करा। क्या बात है आपको विकास पुरुष, कोई किसी की मृत्यु तो हो जाए लेकिन उनके होटल नहीं रुक रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है, आज भी वो गाँव में लिख रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। विधायक जी उल्लंघन किया, उठर बज रहे जी। कौन करेगा आपके क्षेत्र में काम, किसको दोगे इस बार सपोर्ट? बार कांग्रेस को देंगे वोट। आपके हमारे जो मतलब विचार है, हमारा जो मीटिंग है, बस जब कांग्रेस सीट से जो भी आएंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। करे नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क, मैं आपके साथ शिवम वालिया। लोकतंत्र का चुनाव होने में करीब करीब एक महीना बाकी है, और इस समय द न्यूज वाला नेटवर्क की टीम खानपुर विधानसभा क्षेत्र के नगला इमारती गांव में है, और यहां की जनता से जानेंगे इस बार किसके हाथ में होगी सत्ता की कमान। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कौन बनने वाला है उनका नया विधायक। हमारा विधायक जी कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए, अभी कांग्रेस पार्टी को टिकट डिक्लेयर करने दो, उसके बाद देखते हैं। अगर मजबूत प्रत्याशी होते हैं जैसे सुभाष चौधरी हुए, अगर उनको टिकट होता है तो हमारा जो निर्णय रहेगा वो कांग्रेस की तरफ को रहेगा। विधायक ने कितना काम करा अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में? हाँ जी, 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। और यहाँ पर जो नगला इमरती गाँव है ना, वो यहाँ पर कभी नहीं आते। अब जा आज से 10 दिन पहले वो यहाँ पर आए थे, वो भी एक व्यक्ति ने उनको बुलाया था, इस वजह से उन्होंने काम कोई नहीं कराया यहाँ पर। नाम के विधायक है बस, और कुछ नहीं कराया। अपने सामने लिखते हैं चतुर्थ विधायक और विकास पुरुष, कोई विकास नहीं कराते हैं। अच्छा, वो जनता का विकास करते हैं या अपना? जैसे कि आपने कहा विकास पुरुष, तो वो जनता का विकास करेंगे या अपना विकास करेंगे? अपना विकास करते हैं, जो अपने साथ रहने वाले उनका विकास करते हैं बस। वरना देखो मेरी बात सुनो आप, ऐसा होना चाहिए कि खानपुर विधानसभा में जितने भी वो 31 सब उनके अंडर में आते हैं, उनका काम करना चाहिए। नहीं, सबका काम करना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि भेदभाव करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, भेदभाव करते हैं जी। ग्राम नगला इमरती को देख लीजिए, आज तक उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं कराया। और यहाँ आप ये नाम थितोल्ला साहब के जो गांव पड़ते हैं उधर विकास कराते हैं हमें। किस तरीके की समस्या है आपके गांव में? इधर रोड की समस्या है, पानी भरने की समस्या है, और भी यदि बहुत सी समस्या रहती है, आदमी के साथ जुड़ी होती है जी। देखिए विधायक के बड़े बड़े दावे हैं कि मैंने सड़क निर्माण कराया, शिक्षा को लेकर काम करा, स्वास्थ्य को लेकर काम करा, लेकिन आपके साथी आपके जो क्षेत्रवासी है वो कह रहे हैं कि विधायक ने कुछ नहीं किया, सहमत हो इस बात से? ये उसने काम करा अपनी बिरादरी का, और उसके अलावा किसी का कोई काम नहीं करा। कौन सी बिरादरी? गुज्जर बिरादरी, उसके अलावा किसी आदमी का काम नहीं हुआ कोई। कितनी बार आए क्षेत्र में? यहाँ से तो एक दफा भी नहीं आए नगले में। नगले में आते हैं सिवाय उधर के गुजरों के, नदी पार, वहाँ के अलावा और कहीं जाते। कौन करेगा आपके क्षेत्र में काम, किसको दोगे इस बार सपोर्ट? इस बार कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस से कौन सा नेता जो विधायक के रूप में आ सकता? जो नेता अच्छा होगा, मान लो विकास चौधरी है या पत्रकार है उमेश, ऐसा अगर कोई नेता है तो उसे वोट देंगे जी। भाई साहब सहमत हो इस बात से कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2 टर्म विधायक है आपके यहाँ चैंपियन, क्या आपके गांव को आपके क्षेत्र को चैंपियन बनाया या नहीं? कुछ नहीं कहा यहाँ पे, यहाँ पे तो आते हैं बस हॉर्न से अलावा कोई सुनाई नहीं आती उनके यहाँ पे, हॉर्न बजता है बस। रोड को जाते हैं क्या, कोई वो काम नहीं यहाँ पे है। यहाँ तो पब्लिक अगर कोई काम लेके जाती है तो कभी कोई किसी का काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस बार किसके साथ हो? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस में कोई भी आए, कोई सा नेता भी आए, जिसे भी टिकट मिले हम उसी के साथ हैं। देखो अगर हम बात करें बीजेपी की डबल इंजन सरकार रही, फिर भी आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ? बस हम तो आपने अपील की अपने विधायक से? नहीं, अपील भी की लेकिन हुआ नहीं कुछ यहाँ पे।
उनका क्या कहना था समस्याओं को लेकर? उनका कहना ये था, कहने लगे जब आपके जीतने दो और आपके करवाएंगे काम। सड़क की मांग रखी 4-5 सड़कों की, कहने लगे मैं जीत जाऊंगा आपको सब सारा काम करवाऊंगा। पिछले 10 साल से वो सत्ता में थे, तो अब जीतने की बात कहाँ से आ गई? अब जीतने की बात ही कर रहे हैं जी, मैं अगर आपका जीतूंगा तो आपका सारे रोड तुम्हारे सही करवा दूंगा। तक क्यों नहीं हुई थी? बस अब तक तो उनकी मुठमरती थी, इधर गोंड नहीं दिया उन्होंने गाँव में। देखिए आपके दूसरे साथी कह रहे हैं आप एक युवा हो, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद अनस। उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 21 साल। तो युवा को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने क्षेत्र में? कॉलेज है यहाँ नगलाई मर्ज में तो कोई कॉलेज नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है। यहाँ के लोगों को जो अंडर करना पड़ता है वो रुड़ के जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। लेकिन विधायक के तो दावे हैं कि शिक्षण संस्थान बनाए गए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई। विधायक जी के तो मैं आपको बैनर दिखा दूंगा, पोस्ट बड़े बड़े लगे हुए हैं लेकिन विकास ही नहीं। आप चलो मेरे साथ देंदड़े में, कहीं भी चलो बोर्ड लगावा के 48 लाख रुपये का इसका काम हुआ। हम देखोगे तो आप गड़ी में पढ़ने बना बार बोर्ड लग रहा है, ऐसा कोई विकास नहीं करा। क्या बात है आपको विकास पुरुष, कोई किसी की मृत्यु तो हो जाए लेकिन उनके होटल नहीं रुक रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है, आज भी वो गाँव में लिख रहे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं विधायक जी। उल्लंघन किया? होटल बज रहे जी, जब आचार संहिता लग जाती है विधायक सब पूरे विधायक हो जाते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करा जा रहा है विधायक द्वारा? जी विधायक द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है जी, बिल्कुल। आज गए हैं हम बैठे थे यहाँ बैठक पे अपनी, तो हॉर्न बजते हुए निकल गए हैं, ये उल्लंघन नहीं है जी। सहमत हो इस बात से? हाँ सर सहमत है हम इस बात से। विधायक ने युवाओं को कितना रोजगार दिया, सरकारी योजनाएं कितनी पहुँचाई आप तक? रोजगार तो सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सभी लगभग यहाँ पे स्टूडेंट है जो काफ़ी अपनी ग्रेजुएशन को कम्प्लीट कर चुके हैं वो भी बेरोजगार है। रोजगारी तो यहाँ किसी को नहीं मिलती है। उनका जो वर्क रहता है बस खानपुर की साइड रहता है, इस साइड तो कोई वर्क नहीं होता उनका। खानपुर का हिस्सा नहीं है? खानपुर का हिस्सा है बट उनकी वहाँ पे कास्ट के लोग रहते हैं, वो अपनी कास्ट के लोगों की साइड ज़्यादा ध्यान। हम क्या समझे आपके कहने का तात्पर्य ये है कि विधायक भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल भेदभाव है, इससे तो यही होता है कि भेदभाव है बिल्कुल। तो इस बार कौन करेगा काम? इस बार तो सर कांग्रेस से जिसको भी टिकट हो जाएगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, वोट भी उसी को होगा, सपोर्ट भी उसी को होगा। लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से है, अब तक भी काम नहीं हुआ। जैसा कि आपके साथियों ने बताया, क्षेत्रवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण जो सबसे पहली चीज़ है होनी, लेकिन वो भी नहीं हुई। नहीं सर कुछ नहीं काम कराया इस साइड तो, यहाँ का तो रोड हो या आसपास के गड्ढे हो यहाँ का तो बहुत बुरा हाल रहता है। रोड भी अब बनी है जाके, जब इलेक्शन का टाइम आया इससे पहले यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, आदमी आते जाते गिर जाते थे, पानी भरा रहता था बहुत, यहाँ का तो बहुत बुरा हाल था। उनका काम तो उस साइड रहता है बस, खानपुर की साइड। क्या आपके क्षेत्र में डबल इंजन सरकार फेल हो गई? फेल ही है सर। सर सरकार ने कुछ कराया ही नहीं इस गांव में भी, हर गांव में इस रोड पे कुछ नहीं कराया। कौन कराएगा? आपके हमारे जो मतलब विचार है, हमारा जो मीटिंग है बस, जब कांग्रेस सीट से जो भी आएंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। कौन आ सकता है कांग्रेस का एक नया चेहरा? देखो जो भी आए, हालांकि अभी तो हम कह नहीं सकते जिसको टिकट होगा, लेकिन जिसको भी होगा हम कांग्रेस से ही वोट देंगे। विश्वास है कांग्रेस काम करेगी? कांग्रेस काम करेगी और पहले भी कराया है और काम सबसे अच्छा कराया है। कांग्रेस सरकार जब से थी सब कुछ अच्छा था, तब से बीजेपी आई कुछ नहीं काम हुआ। ये गांव का विकास चल रहा है जी, गांव में आप कह रहे थे ना चार टर्म, चार बार के विधायक है, लेकिन चार बार के विधायक है, नालों का निर्माण जारी है, नाला थोड़ा बनता है फिर रुक जाता है, तो पानी की परेशानी बहुत है। अब इनको याद आ रही है कि क्योंकि चुनाव सिर पर है कि विधायक उनको 5वीं बार भी बनना है, तो अब याद आ रही है कि भाई नाड़ा खुदोगा वो खुदोगा, लेकिन फिर काम बनेगा। अगर चुनाव जीत गए हार के फिर काम रुक जाएगा। हमें कांग्रेस पे विश्वास हो, विकास कर सको यहाँ कुछ विकास नहीं है जी, जीरो है बिल्कुल, कुछ नहीं करा यहाँ। चैंपियन का हल्का पड़ो यहाँ से, अंदर पानी इतना भरा। और तो आपके गांव को असफल रहे चैंपियन बनाने में विधायक? आपके गांव को चैंपियन बनाने में विधायक असफल रहे? ना काम कुछ नहीं काम करा यहाँ, औरतों ने इतनी मुसीबत काटी, सब बस्ती में पानी भरा सबके घर के अंदर, सब ना टुल्लू पंप लगा रखे थे। अच्छा हम पिछले गांव में भी गए, आसपास के गांव में भी गए, वहाँ लोगों का कहना था कि जो विधायक का व्यवहार है वो ठीक नहीं है उनके साथ, आप सहमत रखते हो इस चीज़ से? हाँ बिल्कुल सहमत है जी। अच्छा किस तरीके का व्यवहार है उनका? अरे कुछ नहीं ना काम। अच्छा आप कभी अपनी समस्या लेकर विधायक के पास गए? वो तो शिकल देख के करता है जी काम, मान लिया
भेदभाव करेगा, जो अपना उसका आदमी उसका काम करेगा, बाकी किसी का काम नहीं करता। आप उनके क्षेत्र के लोग नहीं हो? है उसके क्षेत्र के, लेकिन काम नहीं करता वो तो पहले ही देख ले भाई बंदा कैसा कैसा नहीं। सहमत है इस बात से कि जनता की जो प्रतिनिधि है वही आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जैसे कि आपके क्षेत्रवासी कह रहे हैं? भेदभाव जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह कुंवर पंडाव सिंह चैंपियन ने यहाँ की जनता को गाली दी, पूरे उत्तराखंड को गाली दी, ये मुद्दा भी बहुत गूंजेगा। आप अभी टाइम आने दो, चैंपियन को भी बार पता चलेगा कि किस तरह जनता को गाली देने का है। वोट भी नहीं गिर रही, इन्हें गाली दे रहे आप लोग, जिसने प्रतिनिधि चैंपियन जी को बनाया, क्या आप उनको गाली देने का रखते हैं? आपको पब्लिक गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं। तो जो आपके विधायक है, अपने आप को लोगों ने बताया कि पुरुष, विकास पुरुष कहते हैं, क्या वो जनता का विकास करने में असफल रहे? मैं तो अपना विकास किया, उसने अपना विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। लेकिन विकास जहाँ कराया है उन्होंने अपने आदमी का विकास कराया है, कोई भी आदमी यह नहीं बताएगा कि हमारा विकास किया है, उसने अपने आदमी का विकास किया है और किसी का विकास नहीं किया है। सहमत हो इस बात से कि जो विधायक है उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है, ना कि जनता का? अपना किया जी, जनता का कहाँ किया, अपना अपना किया, जनता का तो कुछ भी नहीं किया जी। कांग्रेस ने किया जनता का, तो पहले जो सरकार थी तब, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा। पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ जी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ जी, इधर साइड तो। सरकारी योजनाएं आई या नहीं? नहीं आया जी सर, कुछ नहीं आया। अच्छा, विधायक के तो दावे है पेयजल योजना हो या सड़क निर्माण के कार्य हो, सब कराए गए क्षेत्र में, कुछ नहीं हुआ सर इधर, इधर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई योजना, कुछ नहीं मिला इधर। दो बार रैली निकाली हरीश रावत जी ने, जब रोड बनाए, इतनी दिक्कत थी यहाँ पे, दो बार रैली निकाली हरीश रावत ने जी, बहुत बुरा हाल था यहाँ, चलना भी पैदल भी चलना मुश्किल था यहाँ, तो चलना भी मुश्किल था सर यहाँ, तो मोटरसाइकिल चुनाव के दौरान बनाई गई हरीश रावत की देन है जी, सड़क जो बनी, हाँ उन्होंने दो बार रैली करी यहाँ पे, तब बनी, तब बनी यहाँ पे जी। चैंपियन तो उधर को जाता था जी, मंगलोर को हो गया ना, जैनपुर को, यहाँ को जाता था अपनी गाड़ी, यहाँ को तो लेता ही नहीं था गाड़ी। सर कितनी बार आए आपके क्षेत्र में, आपके गांव में चैंपियन? जब इब तो रोड बन गया, अब तो आ रहा, जब रोड नहीं था, यहाँ गड्ढे थे ना, यहाँ को आता ही था। रोड की से रोड को जा रहा, गांव में नहीं आता वो। हमारा सीधा सवाल ये है, लोगों के बीच कितनी बार आए? वे गाँव में आए थे 10 साल से, आपके बीच आपके पास कितनी बार आए विधायक? जब कांग्रेस में थे जब तो आते थे, जब तो सुनते थे, क्योंकि जब से मैं बीजेपी में आए जब से कोई गांव में आए नहीं, लेकिन 5-6 दिन पहले गांव में आए थे, गांव में आए थे, वे एक आदमी ने बुलाया था उन्हें, वे अब की बार क्या गए कि जो मैं यहाँ 10 साल से नहीं आया उसका बता को तो गए ने, क्यों नहीं आए, क्या कमजोरी रही उनकी कि मैं 10 साल से आपके गांव में नहीं आया, अब आपने मुझे बुलाया मैं आया, मगर जी आपको पहले बुलाया था, पहले क्यों नहीं आए थे, तो इस बात को तो कुछ बता को नहीं गए जी। लेकिन बात यह हो, कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस से कोई मजबूती प्रत्याशी चैंपियन को टक्कर दे सकता है, यहाँ ना हाथी चलने की, ना यहाँ बीजेपी चलने की, यहाँ कांग्रेस पार्टी विकास कर सकती है। क्योंकि मायावती को आपको सबको पता है कि उसने तो कह दिया कि मुस्लिम कट्टरवाद जिन इनका वो ट्रांसफॉर्म बीजेपी को करा दो, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन करोगा, पूरे गाँव, पूरा गाँव, पूरा खानपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के साथ है, पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की सीट यहाँ से निकाल कर देगा जी। सहमत है इस बात से? हाँ सहमत है जी, सहमत है जी कांग्रेस। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी बनता है कि पिछले 2 टर्म में भी है ना, सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? क्या आप लोगों ने उनसे कहा नहीं, उन्होंने देखा नहीं क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं रोज जा रहे हैं, सबको पता है भाई क्या करना क्या नहीं करना, जब वोट और जब वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, तो क्या विकास के लिए नहीं घर घर जा सकते, देख सकते गाँव में जाने के लिए? गाँव में जाना चाहिए, मेरे गाँव में क्या, मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा, कौन से गाँव में क्या हो रहा, उन्हें भी तो जाना चाहिए। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो वोट मांगने क्यों आते हैं घर घर, ये तो मुद्दा है। ये तो मेन रोड था, इतना बुरा हाल था, हद से ज़्यादा हाल था, बहुत बुरा हाल था। यानी कि चुनाव के दौरान आपके बीच आ रहे हैं? अभी तो हम तो अभी तो बता तो रहे भैया, एक बार आए बुलाए वो भी किसी ने, और 5 साल तक तो किसी को दिखाई नहीं दिए, सीधे गए सीधे आए, अपना वोटर बजाते जी। देखिए यहाँ के लोगों ने कहा कि जो इनके विधायक है वो इनके बीच नहीं आए, इनकी समस्याओं को सुना नहीं गया, और सड़क निर्माण कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी नहीं हुआ। यहाँ के जो युवा थे उन्होंने भी अपनी परेशानियाँ बताई, कॉलेज को लेकर भी, और तमाम परेशानियाँ बताई, और ये भी आरोप लगाए कि जो विधायक है जनता के साथ भेदभाव करते हैं और उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाता है। तो ये लोग चाहते हैं कि इस बार सत्ता बदलाव हो और सत्ता में कांग्रेस पार्टी आए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।